18 अगस्त को आने वाली पंजाबी फिल्म रॉकी मेंटल की स्टार कास्ट फिल्म की प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता दौरान फिल्म के अनुभव को साझा किया। कलाकारों ने अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये फिल्म एक्शन और ड्रामे से भरपूर है, जिसके जरिए बॉक्सिंग के खेल से जुड़े ऐसे पहलुओं को उजागर किया गया है जिन्हें अभी तक छुआ ही नहीं गया। आपको बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार का रोल परमेश वर्मा और तनु कौर गिल ने निभाया है। सर, एस्पायरिंग बॉक्सर है जी रॉकी, जो कॉमनवेल्थ लई खेडना चाहुंदा, थोड़ा जिहा अखड़ सुभाअ दा, जो भी करता बड़े एक्सट्रीम बिहेवियर च करता, गेम करता वह भी एक्सट्रीम च करता, मजाक भी एक्सट्रीम च करता, किवें उहदे सुभाअ कारण एक दो प्रॉब्लम्स दे विच फसदा ते किवें उस तों वापस खड़ा हुंदा, इह उहदी स्टोरी दा जो मेन प्लॉट है। सर मैं हुणे जिवें दस खेडा, इट्स नॉट नैसेसरी, इट्स नॉट अ सोशल मूवी, इट्स वेरी कंटैम्प्रेरी सिनेमा। फिल्म की जो बणतर है, फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, डायलॉग्स ने, एक्शन डायरेक्टर्स ने, डी ओ पी ने, सो सारी उसकी सिनेमैटिक लुक है जी बिल्कुल एक बॉलीवुड फिल्म वर्गी है, इनकलूडिंग द स्टोरी। सो इट्स वेरी कंटैम्प्रेरी एंड कमर्शियल फिल्म, जो रियल लाइफ स्टोरीज तो बहुत दूर की गल है, बड़ी परे की गल है। सर मैं चाहता फिल्म करनी, पर क्योंकि मैं लगता जी म्यूजिक वीडियो होंगी है जी सर, वह 3 मिनट की होंगी है, फिल्म 2 घंटे की होंगी है। सो फिल्म के लिए एक रियाज़ की लड़ है, क्योंकि आप जो गाने एक हफ्ते की तैयारी दें, फिल्म में मैं लगता 6 महीने की तैयारी चाहिए, कल्ले कल्ले डायलॉग से, कल्ले कल्ले ब्लॉक से। मैं लालच नहीं करना चाहता कि मैं फिल्म ऑफर हुई तो मैं नाल दी नाल डायरेक्शन हामी भरती, मैं चाहता कि मैं इस प्रोसैस चो थोड़ा निकला, इनू होर चंगी तरह समझा। जिवें हुण मैं रीसेंटली पता लगे कि पोस्ट प्रोडक्शन बहुत समा लेंदी है, फिल्म दे गाने की पोस्ट प्रोडक्शन 2 हफ्ते लेंदी है, फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन 4 महीने लेंदी है। सो मैं चीज़ों नू होर चंगी तरह थरोली सीखना चाहता, तो उस तो बाद फिल्म डायरेक्ट कराँगा। सो पहले तो सत श्री अकाल सारे नू अमृतसर वाले, तो माहौल बहुत चंगा सीगा, सारे असी परिवार वांगू रहिंदे सी सैट ते, ते बाकी हाँ जी मेरी पहली मूवी आ, सो बस उम्मीद आ कि साडी मेहनत रंग लावे।